नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के अंदर। आज माँ भगवती का आगमन हो चुका है, नवरात्र का पहला दिन है। मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आए और कोई भी तकलीफ आप लोगों को ना हो। तो आज से हम जानेंगे माँ भगवती के हर एक रूप के बारे में। उसके रूप 9 दिन 9 वीडियो आपको दूंगा, हर एक दिन हर एक रूप के बारे में आपको बताऊंगा और उसका आयुर्वेदिक में क्या महत्व है उस रूप का, ये भी आपको बताऊंगा। तो देखते हैं आज का पहला रूप। आज का पहला रूप है माँ का शैलपुत्री। शैलपुत्री यानी संपूर्ण जड़ पदार्थ जो भी होते हैं, संपूर्ण जड़ पदार्थ माँ भगवती का पहला रूप है। संपूर्ण जड़ पदार्थ माँ भगवती का पहला स्वरूप है। उसमें आते हैं पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब शैलपुत्री का प्रथम रूप है। इस पूजन का अर्थ है प्रत्येक जड़ पदार्थ में परमात्मा का अनुरूप परमात्मा का अनुभव करना। तो अब इसको मैं मेरे कंपनी के साथ जोड़ूंगा, ठीक है, जाइए मत का कहीं। मैं अपने कंपनी के साथ डायरेक्ट मार्केटिंग में मेरे मैं जिस कंपनी में जुड़ा हूँ एटोमी के साथ, मैं उसके साथ में इसको जोड़ूंगा जो पहला रूप है माँ भगवती का, जाइए मत कहीं। इसके बाद में आयुर्वेदिक में भी शैलपुत्री के पहले रूप का क्या प्रभाव है ये भी आपको बताऊंगा। तो इस रूप के अंदर में हम देखते हैं कि पहला रूप जो है शैलपुत्री का, संपूर्ण जड़ पदार्थों में माँ भगवती का पहला रूप। तो एटोमी में हमारे यहाँ भी इन्हीं सब रूपों का ध्यान रखा गया, वायु का ध्यान रखा गया, अग्नि का ध्यान रखा गया, आकाश का ध्यान रखा गया, पत्थर, मिट्टी, ये सब चीजें हैं, इन लोगों इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया, इन इन्वायरमेंट को किसी तरह की हानि ना पहुंचे, ये प्रथम कर्तव्य पार करता है। इसके बाद अब मैं बात करूंगा आपको आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक में शैलपुत्री का क्या महत्व है। प्रथम शैलपुत्री यानी हरड़, आयुर्वेद में जिसको हरड़ कहते हैं, उसको मराठी में जिसको हिरड़ा कहते हैं, वो है शैलपुत्री का। कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली औषधि हरड़ हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही रूप है। यह आयुर्वेदिक की प्रधान औषधि है। यह पथया, हरितिका, अमृता, हेमवती, कायस्थ, चेतकी और श्रेयसी, इस 7 प्रकार की होती है। तो ये आयुर्वेदिक में शैलपुत्री का महत्व है, इस प्रकार की 7 प्रकार की वनस्पति होती है। और एटोमी में इन्हीं आयुर्वेदिक वनस्पतियों से ही क्रीम्स यानी आप फेशियल क्रीम्स से लेके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, नॉर्मली इन्हीं तरह के जड़ों से एक्सट्रैक्ट करके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और अब एक रूप से अगर हम एटोमी के प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो हम देखा जाए तो देवी के पहले रूप को शैलपुत्री को ही प्रणाम कर रहे हैं। तो आप इस तरह से एटोमी के प्रोडक्ट यूज कीजिएगा, जिसके अंदर भी आपको जो एटोमी ने अभी तक यूज किया हुआ है, यानी आयुर्वेदिक से जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को आयुर्वेदिक से भी स्किन से लेके हेल्थ तक रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, सभी में आयुर्वेदिक जो वनस्पति उनका यूज किया गया है। और साथ ही साथ एटोमी इस चीज का भी ध्यान रखिए कि हमारे इन्वायरमेंट को किसी चीज की हानि ना पहुंचे। बहुत सारी डिटेल्स में मैं बात नहीं करूंगा, आप इसको डिटेल्स में नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे, राधे राधे।